छोटी काशी मंडी के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में श्रावण मास महोत्सव बुधवार को विधिवत रूप से संपन्न हो गया। मंदिर में रुद्राभिषेक कर हवन यज्ञ और पूर्णाहुति के साथ श्रावण मास महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान कन्या पूजन भी किया गया। 15 जुलाई से निरंतर 24 घंटे ओम नमः शिवाय का जप किया गया, साथ ही अन्य आयोजन भी हुए। क्या बोले मंदिर के पुजारी स्वामी सत सुंदरम, सुने। भगवान शिव का जो है प्रिय मास माना जाता है। एकादश रुद्र मंदिर में यह इस बार 45वां श्रावण मास महोत्सव मनाया गया। बड़े ही धूमधाम से यह 45वां श्रावण मास मनाया गया। कहते हैं कि भगवान शिव की जो है इस पर विशेष कृपा रहती है। इस मास में थोड़ा सा करने से भी जो है बहुत उसका लाभ होता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था रहती है कि उसने ऐसी व्यवस्था रहती है कि नाम जो है नाम जप और लंगर जो है व्यवस्था, जैसे सेवा और सुमिरन हमारा एक मुख्य जो है उद्देश्य भी रहा। तो सेवा जो है और लंगर की व्यवस्था में आ जाती है और सुमिरन जो है नाम जप में आता है। जो लोग 24 लोग होते हैं जो 24 घंटे बैठ करके जो अपनी सेवा देते हैं निरंतर, जो है ये 45 वर्ष इसको पूरे हो गए और 46वां अगली साल होगा। तो भगवान गौरी शंकर की कृपा ऐसे ही बनी गए तो ऐसा ही आगे को भी चलता रहे। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तरुण ठाकुर, जिला मंडी युवा कांग्रेस अध्यक्ष, और मैं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते अपनी और अपनी पूरी युवा कांग्रेस की टीम की ओर से पूरे भारतवर्ष के हमारे प्रिय देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आने वाले 15 अगस्त की जो हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। मान से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ। जैसे ही आप सभी जानते हैं आपदा एक बार आन पड़ी है दोबारा से मंडी और मंडी के आसपास के क्षेत्रों में, कुल्लू में भी। तो इस बार भी फिर से, पिछली बार भी आप लोगों ने बहुत मदद की थी आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी एक तरह से ये आपदा आई थी, इस बार भी मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि आसपास के क्षेत्रों में जो भी इस डिफ़िकल्ट टाइम से, इस मुश्किल दौर से जो गुजर रहा है उसकी आप खुल के मदद कीजिए। यही एक तरह से स्वतंत्रता दिवस को अच्छे से मनाने का तरीका होगा। धन्यवाद। हरदीप सिंह राजा, पार्षद नगर निगम मंडी। आज़ादी में जिन जिन सूरवीरों ने, गुरुओं ने और योद्धाओं ने अपने प्राण की आहुति देकर हमें खुली सांस में जीने के लिए आज़ादी दिलवाई, मैं उनको नमन करता हूं। और इस आज़ादी के पर्व, इसके लिए मैं देश प्रदेश और सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं।